हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 7। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 7वां वीडियो है, और इससे पहले 6 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे? तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की विधियां। जो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, आपको सिखाया था कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें केवल एक COOH ग्रुप होता है, उसे कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल या मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की विधियां हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां, और फिर पढ़ेंगे बेटे एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के विधियां। ठीक है? तो एलिफेटिक आपको पता है खुली श्रृंखला वाले मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और एरोमेटिक का मतलब होता है बंद श्रृंखला वाले, जिन्हें आप एरोमेटिक कहते हो। ठीक है? इन दोनों तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है बेटे? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें सीखना है एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां। तो हम हेडिंग लिखते हैं, आप भी लिखा करो साथ साथ में। हेडिंग है एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। ठीक है बेटे? आपको पता है ना एलिफैटिक का मतलब खुली श्रृंखला यौगिक, और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें केवल एक COOH ग्रुप होता है। बनाने की विधियां, किस तरह आप ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। तो नंबर एक, सबसे पहला मेथड हम देखते हैं। सबसे पहला मेथड है बेटे एल्कोहल कोमा एल्डिहाइड व कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है बेटे? यदि इनमें से किसी का भी आप ऑक्सीकरण करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एल्कोहल का कर दो, या एल्डिहाइड का कर दो, या कीटोन का कर दो, आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। ठीक है बेटे? देखते हैं कैसे। जैसे एक रिएक्शन देखो आप, मैं यहां लिखता हूं आर CH2OH। बताओ एल्कोहल है ना, और आपको पता चल रहा होगा कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल है क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो, इसका ऑक्सीडेशन हम करते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा। H पॉजिटिव लिख दिया मैंने, यानी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा। तो आपको पता है एक एच यहां से निकलेगा, एक एच यहां से, और ये ऑक्सीजन H2O निकल जाता है एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बनता है RCHO। क्या बना बेटे? एल्डिहाइड बना है ना, पर इस एल्डिहाइड का भी तो ऑक्सीडेशन होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। K2Cr2O7 / H पॉजिटिव लिख दिया, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाता है एल्डिहाइड में और बनता है RCOOH। तो बताओ RCOOH को ही तो कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड।
यही तो बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है बेटे ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यदि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो यदि आप उसका ऑक्सीडेशन करोगे। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखो एग्जांपल देखते हैं चलो इसका। जैसे हमारे पास मान लो CH3CH2OH है, दो कार्बन वाला एल्कोहल जिसे आप कहते हो इथाइल एल्कोहल, या IUPAC में हम कहते हैं इथेनॉल। यदि आप इस इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे किसके द्वारा, K2 Cr2 O7 प्लस H2SO4 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा, तो एक एच यहां से, एक एच यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, H2O निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट। तीर के नीचे लिख सकते हो आप जैसे यहां लिखा है। यदि आप नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बताएं यहाँ CH3 बचेगा, यहाँ CH और यहाँ O, हमारे पास बन जाएगा CH3CHO। ठीक है, क्या नाम है बेटे इसका? इसका नाम है एसीटल डिहाइड। ठीक है, इस एसीटल डिहाइड का भी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से कर लो, या फिर आप अम्लीय या क्षारीय KMnO4 से कर लो, एक ही बात है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे आप लिख सकते हो कोई सा भी, पर यह है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। प्रबल ऑक्सीकारक मैंने आपको सिखा रखे हैं, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, उदासीन पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH। बताओ कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है ना बेटे, एसिटिक एसिड। ये बना है एसिटिक एसिड, या IUPAC में आप इसे कह सकते हो दो कार्बन वाला है तो इथेनोइक एसिड। ठीक है बेटे, ये IUPAC नाम है इसका, इथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी, देखना ध्यान से। चलो यहां मैंने एग्जाम्पल एक और लिखा, और इस एग्जाम्पल पे थोड़ा ध्यान से देखना क्या हो रहा है। मान लो आप CH3OH लेते हो, CH3OH का नाम बताओ क्या होता है? एक कार्बन वाला एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल, या IUPAC में मिथेनॉल। जब आप इस मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है, वही आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यही वाला जो ऊपर लिखा है, तो एक एच यहां से निकलेगा, एक एच यहां से, H2 और ऑक्सीजन हमें मिली रही है, H2O निकल सकता है एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आ जाता है CH2O। क्या आ जाता है? CH2O, या CH2O को हम लिखते हैं HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्या है बेटे ये? फॉर्मल फॉर्मल्डिहाइड। यदि इस फॉर्मल्डिहाइड का दोबारा आप ऑक्सीडेशन करते हो, यानी कि ऑक्सीडेशन तो इसका चलता ही रहेगा, दोबारे की तो कोई जरूरत ही नहीं है, O जुड़ जाएगा, यहां बनेगा HCOOH। तो बच्चे सोचते हैं कि ये बना है फॉर्मिक एसिड। क्या बना है? फॉर्मिक एसिड। पर बेटे ये सच्चाई नहीं है, रिएक्शन यहां बिल्कुल भी नहीं रुकती है, इस बात को दिमाग में घुसा लो अपने। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, यानी कि आप एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से या एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कभी भी फॉर्मिक एसिड प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? उसका रीजन ये है कि ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, इसका दोबारा फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये जो है बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होने को तैयार रहता है, और ऑक्सीडेशन होगा तो H2O, यानी H2O तो एक बनता है, और बीच में से ये क्या निकला है यहाँ से यहाँ तक, CO2। यानी कि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो फॉर्मिक एसिड नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन यहां नहीं रुक पाती है, रिएक्शन यहां रुकती है जाकर, जब भी फॉर्मिक एसिड बनना हो। अच्छा एक एग्जांपल देखो आप, ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके। एक एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास एक इस तरह का एल्कोहल है, देखो इस एल्कोहल को बताओ, इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सेकेंडरी नहीं है क्या? सेकेंडरी एल्कोहल है, और इसका नाम आपको पता ही होगा, तीन कार्बन में बीच वाले कार्बन से OH जुड़ा है, इसे कहते हैं आइसो प्रोपाइल
प्रोपाइल एल्कोहल क्या है बेटे? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल है, ये एक सेकेंडरी एल्कोहल है। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल हमने सारे लिए थे प्राइमरी एल्कोहल वाले, तो जब आप इस सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन मारोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, एच और ओ, H2O साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बनता है CH3। सीधा करके लिख दूं CH3, यहाँ CO बचेगा, CO और CH3। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको पता है ये एसीटोन है। क्या है? एसीटोन, या आप इसे कह सकते हो डाई मिथाइल कीटोन। एसीटोन कहो या डाई मिथाइल कीटोन कहो, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो ना, थोड़ा ध्यान से देखना बेटे, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो यहाँ आपका जो है ये CO, दोनों तरफ बराबर कार्बन है, किसी के साथ भी चला जाएगा। एक तो इधर दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दो कार्बन वाला, यानी CH3COOH। नाम क्या है इसका? एसीटिक एसिड। क्या नाम है बेटे? एसीटिक एसिड। और बच्चे सोचते हैं कि यहाँ एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो साथ में बना देते हैं, साथ में क्या बना देते हैं? HCOOH। और मैंने आपको बताया है कि HCOOH तो बनता ही नहीं है, क्योंकि इसका फर्दर क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन, और ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। तो आप या तो रिएक्शन को इतना लिखोगे, इसके साथ ये दो कार्बन वाला हमने बना दिया, एक कार्बन वाला HCOOH नहीं बनाना है। उसकी जगह आप यदि ज्यादा कुछ लिखना चाहते हो तो H2O+CO2 लिख सकते हो, वैसे इसे भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें एसिटिक एसिड ही प्राप्त होता है। ठीक है बेटे, क्या मिला है हमें? एसिटिक एसिड। तो हमें एक बात सीखने को मिली है यहाँ, उसे हम नोट में लिख रहे, ये लिखा हमने नोट। क्या सीखने को मिला है बेटे? हमें सीखने को ये मिला है कि फॉर्मिक एसिड जो होता है ना आपका, फॉर्मिक एसिड, या एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को आप IUPAC में कह सकते हो मीथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड, या फार्मूला होता है HCOOH, इसे आप, यानी फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हो। ऑक्सीकरण विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि HCOOH पुनः H2O व CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि जो HCOOH है ये यहीं नहीं रुकेगा, इसका फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन होगा, और H2O, एक तो H2O और एक CO2, इस तरह फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। यानी कि फॉर्मिक एसिड अपनी अवस्था में रुकेगा ही नहीं, यदि उसे वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगले मेथड बताता हूँ आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे बेटे ग्रिगनार्ड रीएजेंट, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। अब देखो, ग्रिगनार्ड रीएजेंट द्वारा आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे? थोड़ा ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ग्रिगनार्ड रीएजेंट, आपको पता है ग्रिगनार्ड रीएजेंट होता है RMGX, यही तो होता है ग्रिगनार्ड, RMGX। जब इसके ऊपर हम CO2 का रिएक्शन कराते हैं ना बेटे, CO2 का, ईथर की उपस्थिति में, ये लिख रहा मैं ऊपर ROR, ROR का मतलब क्या होता है? ईथर। तो क्या होता है कि ये CO2 ज्यों का त्यों यहाँ आ जाता है R और Mg के बीच में,
ये बन जाता है RCOO MGX। इस तरह का एक योगात्मक उत्पाद हमें मिलता है। ये जो योगात्मक उत्पाद है इसका करना होता है जल अपघटन। तो हम लिखते हैं H2O, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में आप कर सकते हो। तो ये बॉन्ड टूटता है, यहां से ध्यान से देख लो, इधर H जुड़ेगा और इधर OH, तो साइड प्रोडक्ट निकलता है MgOHX और मेन प्रोडक्ट हमारा आता है RCOOH। तो बेटे RCOOH तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, पता है ना आपको, मैंने आपको सिखाया है। कार्बोक्सिलिक एसिड उसे कहते हैं जब एल्काइल या एराइल ग्रुप के ऊपर COOH ग्रुप अटैच हो, ठीक है बेटे। अच्छा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आर की जगह लेते हैं CH3 MG और इसकी जगह लेते हैं हेलोजन की जगह BR। नाम आपको बताया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यदि आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर CO2 का रिएक्शन करा दोगे ईथर की प्रेजेंस में, ये लिख दिया हमने ईथर, तो क्या होगा बेटे, यहां जुड़ेगा, ये बनेगा CH3COMGBR, ये योगात्मक यौगिक बना। अब जब हम इसका जल अपघटन करेंगे, ये जल अपघटन कर दिया हमने, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा इधर H और इधर OH, साइड प्रोडक्ट निकलेगा, चलो बाद में लिख देंगे साइड प्रोडक्ट को, यहां लिख रहा मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड और मेन प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3COOH एसिटिक एसिड। क्या बना है बेटे, एसिटिक एसिड कह दो या फिर आप सिरका भी कह सकते हो, ठीक है, बताओ समझ में आया क्या, जरा इसे सही लिख दूं मैं, ये तीर का निशान ज्यादा ऊपर जा रहा था, ये बना है आपका ईथर की प्रेजेंस में ईथर, ठीक है बेटे, इस तरह रिएक्शन होता है। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं इसमें भी, देखो आपने एक कार्बन वाला जो लिया था, एक कार्बन वाला लिया था ग्रिगनार्ड और एक कार्बन आपको मिल गया CO2 से, तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो कम से कम दो कार्बन वाला बनेगा, ठीक है। तो हमें एक बात यहां भी समझ में आती है, आप नोट में लिख सकते हो कि ये जो मेथड है ना ग्रिगनार्ड वाला, तो इस विधि द्वारा भी HCOOH यानी एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है। समझ में आ रहा क्यों नहीं बनता है, अभी बताया ना मैंने कि आपको इस विधि को लगाने के लिए कम से कम दो कार्बन लेने पड़ेंगे, एक तो ग्रिगनार्ड वाला एक CO2 वाला, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा कम से कम दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा यानी एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से पहला एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड में होता है एक कार्बन, एक कार्बन तो मिल ही नहीं सकता प्रोडक्ट, कम से कम दो कार्बन वाला प्रोडक्ट आपको इस विधि में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब आ जाते हैं हम तीसरे मेथड पे, हम लिख रहे हैं नंबर तीन, तीसरा तरीका, RCN एल्काइल साइनाइड है ना बेटे, RCN के जल अपघटन द्वारा, RCN के जल अपघटन द्वारा, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। यदि आपके पास एल्काइल साइनाइड है और आप उसका जल अपघटन कर देते हैं तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो जरा ध्यान से, मान लो मैं कह दूं आपके पास है RC(NNN) संयोजकता कार्बन की दिखा दी हमने, यदि आप इसका जल अपघटन करोगे ना H2O अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या होगा बेटे, दो बॉन्ड टूट जाएंगे, एक ऑक्सीजन इधर और दो हाइड्रोजन इधर, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2, इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। यदि आप इसका फिर दोबारा से जल अपघटन करोगे ना, जल अपघटन तो इसका अपने आप ही हो जाएगा दूसरी बार, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर H जुड़ेगा और इधर OH, बताओ क्या बना है मेन प्रोडक्ट,
RCOOH बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड साइड प्रोडक्ट बना है NH3, देखो 2H और 1H, NH3। तो अमोनिया यहाँ साइड प्रोडक्ट के रूप में आप लिख सकते हो यदि लिखना चाहते हो तो। अच्छा जरा इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, यदि मैं R की जगह H ले लूं, HCN, बताओ इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड ही तो है बेटे इसका नाम। यदि आप हाइड्रोजन साइनाइड का जल अपघटन करते हो, ठीक है, तो ये दो बॉन्ड टूट जाएंगे, इधर O जुड़ेगा, इधर 2H जुड़ेगा, मेन प्रोडक्ट आएगा HCO सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। इसका फिर दोबारा से जल अपघटन होता है, थोड़ा ध्यान से देखना है सबको। यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा, इधर OH और इधर H, तो ये बनता है आपका HCOOH। लो बन गया भाई फॉर्मिक एसिड जिसका हम इंतजार कर रहे थे, और साथ में निकला है अमोनिया एज ए साइड प्रोडक्ट। अब आप R की जगह CH3 लेके देख लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, मिथाइल साइनाइड। जब आप इसका जल अपघटन करोगे H2O/H+, तो दो बॉन्ड टूट जाएंगे, ऑक्सीजन इधर और दो हाइड्रोजन इधर, आपका प्रोडक्ट आएगा CH3CONH2। इसका भी फर्दर जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस होना ही होना है। ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ OH जुड़ेगा, मेन प्रोडक्ट आपका आने वाला है CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसे सारी दुनिया सिरका कहती है, सिरका, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ध्यान रखोगे आप। तो आप RCN यानी एल्काइल साइनाइड के जल अपघटन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब आ रहे हैं मेथड नंबर 4 पे, थोड़ा ध्यान से देखना बेटे। यदि मैं सोडियम एल्कोक्साइड की बात करूं, सोडियम एल्कोक्साइड, तो आप समझ जाते हो सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब क्या होता है। सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब होता है RONA। तो इसके द्वारा भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ी आसानी से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो देखते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो आपके पास ये सोडियम एल्कोक्साइड है, RONA, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, इसके ऊपर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करा दो, यानी कि गर्म कर दो कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में। थोड़ा सा दाब भी होना चाहिए, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा। तो क्या होगा, ये CO यहाँ जुड़ जाएगा R और O के बीच में, हमें प्रोडक्ट मिलेगा RCOONA, ठीक है। इस तरह का एक यौगिक हमें मिलेगा, और इसके ऊपर आपको कराना है रिएक्शन HCl का, HCl के जलीय विलयन का, ये लिख दिया H2O। तो यहां से तो निकलेगा Na और यहां से निकलेगा Cl, ये NaCl निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट RCOOH, मेन प्रोडक्ट आएगा RCOOH। आपको पता है RCOOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मान लो मैं आपको कह दूं कि R की जगह हम लिखते हैं CH3, तो यदि CH3ONA आपके पास है और आप इसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करते हो, गर्म करते हो, थोड़ा सा दाब रखते हो ज्यादा, ठीक है, तो CO यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट आएगा CH3COONA, सोडियम क्या है ये, एथियोनेट, CH3COONA, ठीक है बेटे, या सोडियम एसीटेट भी आप इसे कह सकते हो। अब इसके ऊपर HCl का रिएक्शन करेंगे जो पानी में घुला हुआ है, यहां से Na और यहां से Cl, ये निकल जाएगा NaCl एज ए साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। क्या मिलेगा बेटे, एसिटिक एसिड मिलेगा यहाँ। अब आ जाते हैं हम नंबर 5 पे, पांचवा तरीका क्या है। पांचवा तरीका है बेटे कोच अभिक्रिया, तो मैं हेडिंग लिखूंगा कोच अभिक्रिया द्वारा। यदि आप कोच रिएक्शन को करते हो तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। अब ये कोच रिएक्शन किस पे होती है, डबल बॉन्ड पे आप कर सकते हो, यानी एल्कीन। जैसे मैं आपको कहूँ कि CH2, डबल बॉन्ड CH2 है हमारे पास, ठीक है,
इसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का रिएक्शन करना होता है। थोड़ा ध्यान से समझियो, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का रिएक्शन, H3PO4 की उपस्थिति, थोड़ा गर्म करना होता है। तो जब आप इस रिएक्शन को करते हो तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला एक पाई बॉन्ड, एक तरफ तो जुड़ता है H और एक तरफ जुड़ता है COOH, तो ये तो CH3 हो जाएगा और ये आ जाएगा CH2COOH, तो प्रोडक्ट आएगा आपके पास CH3 और यहाँ आ जाएगा CH2COOH, तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप प्रोपेनोइक एसिड कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटे? तीन कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, IUPAC नाम लिखा है, ठीक है। यदि सामान्य नाम की बात करें तो प्रोपियोनिक एसिड होगा, सामान्य नाम क्या होगा? प्रोपियोनिक एसिड। अब आ जाते हैं हम नंबर 6 पे, ध्यान से देखियो जरा, नंबर 6 है बेटे एस्टर। एस्टर के जल अपघटन द्वारा, यदि आपके पास कोई एस्टर है, RCOOR को ही तो कहते हैं एस्टर, तो इसके जल अपघटन द्वारा भी आप बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ मान लो हमारे पास RCOOR- है और इसका हम कर रहे हैं जल अपघटन H2O, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, ध्यान से देखना, H और OH। माध्यम आप अम्लीय ले सकते हो, क्षारीय ले सकते हो, क्या बना? RCOOH। बेटे RCOOH तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता ही है, इसे ही तो बनाना सीख रहे हैं हम, पर साथ में अल्कोहल भी बना है ROH, क्या बना है? अल्कोहल। इसका आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो यदि लेना चाहते हो। मान लो मैं आपको कह दूं कि R की जगह मैंने ले लिया CH3 और ये COO है और यहाँ भी ले लिया CH3, यदि इसका हम जल अपघटन करेंगे ना अम्ल की उपस्थिति में या क्षार की, बॉन्ड टूट जाएगा यहां से, इधर H जुड़ेगा इधर OH जुड़ेगा, एक तो बनेगा CH3COOH यानी एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, और दूसरा बनेगा CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से आप एस्टर के जल अपघटन से भी बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 7 पे हम पढ़ेंगे बेटे, नंबर 7 एसिड क्लोराइड होता है ना, जो एसिड क्लोराइड RCOCl जिसे आप कहते हो, एसिड क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा, ये जो एसिड क्लोराइड है ना बेटे, ये एस्टर का ही एक डेरिवेटिव है यानी व्युत्पन्न है। एस्टर के बहुत सारे व्युत्पन्न होते हैं, उनमें से किसी का भी आप जल अपघटन करोगे ना, एस्टर का कोई सा भी व्युत्पन्न होगा, डेरिवेटिव होगा, यदि आप उसका जल अपघटन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, पक्की बात है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा हिंट दूंगा, यह है एसिड क्लोराइड का जल अपघटन। जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड क्लोराइड का फार्मूला होता है RCOCl, यह है एसिड क्लोराइड। यदि आप इसका जल अपघटन करोगे, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ये लिख दिया हमने H2O, अम्ल की उपस्थिति में या क्षार की, ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ तो जुड़ता है H और यहाँ जुड़ता है OH, तो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में साइड प्रोडक्ट निकलता है HCl, ठीक है। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो आपके पास CH3COCl है, ठीक है, दो कार्बन है इसमें, कितने कार्बन है? दो। इसे आप एसिटाइल क्लोराइड भी कह सकते हो या इथेनॉइल क्लोराइड भी कह सकते हो, यदि सामान्य नाम लिखोगे तो एसिटाइल क्लोराइड है इसका। क्या है बेटे सामान्य नाम? एसिटाइल क्लोराइड। तो जब आप इसका जल अपघटन करोगे ना H2O/H+, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, इधर H जुड़ेगा और इधर OH जुड़ेगा, मेन प्रोडक्ट आएगा CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, और साइड प्रोडक्ट निकलेगा HCl, ठीक है बेटे। तो कोई सा भी आप
क्लोराइड, एसिड क्लोराइड यानी एल्केनॉइल क्लोराइड कोई सा भी ले लो, और उसका जब जल अपघटन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ देखो एक बात बताता हूँ, शायद जरूरत पड़ जाएगी। जो एसिड क्लोराइड होता है ना, एसिड क्लोराइड क्या है, एसिड क्लोराइड जो है जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके जो व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव, उनके जल अपघटन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। तो उनके जल अपघटन का क्रम क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान रख लो आप। क्या होता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव यदि उनका आप जल अपघटन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, और उसमें RCOCl जो हमने हेडिंग लिखी है, RCOCl एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का जल अपघटन सबसे तेज होता है, और एक इसका डेरिवेटिव होता है RCO, RCOO क्या है बताओ, ये एनहाइड्राइड है, इसका जल अपघटन थोड़ा RCOCl से कम होता है, चांस भी कम और स्पीड भी कम, इससे कम है एस्टर का, RCOOR-, एस्टर का जल अपघटन तो अभी हमने किया है, ठीक है किया है ना एस्टर का, इससे पहले वाले हेडिंग में, और सबसे ही कम स्पीड होता है RCONH2 का। यहाँ स्पीड भी है और प्रोबेबिलिटी भी है, प्रायिकता दोनों ही बात है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं उनका जल अपघटन का क्रम है बेटे, कि सबसे ज्यादा तेजी से जल अपघटन RCOCl का ही होगा और सबसे स्लो स्पीड से होगा RCONH2 का, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लेना, मान लो आपके पास कोई एस्टर है और आप उसका जल अपघटन कर रहे हो क्षार द्वारा, तो मैं लिखूंगा क्षारीय जल अपघटन, जैसे NaOH या KOH द्वारा आप क्या कर रहे हो एस्टर का जल अपघटन, तो एस्टर का क्षारीय जल अपघटन पता क्या कहलाता है बेटे, इसे कहते हैं साबुनीकरण। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था साबुनीकरण का रिएक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, साबुनीकरण। थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में, कितने तरीके हुए हैं, 7 तरीके हुए ना, नंबर 8 पे आ जाओ बेटे, थोड़ा ध्यान से देखना। नंबर 8 है एल्काइल ट्राई हेलाइड के जल अपघटन द्वारा, एल्काइल ट्राई हेलाइड तो समझते हो आप, समझते हो ट्राई हेलाइड, ट्राई माने 3, हेलाइड माने हेलोजन, जब किसी एल्काइल ग्रुप के ऊपर एक कार्बन के ऊपर 3 OH, सॉरी 3 Cl या 3 Br या 3 I यानी 3 हेलोजन एटम अटैच होते हैं तो उसे कहते हैं एल्काइल ट्राई हेलाइड। जैसे देखो जरा, मान लो ये R है, ये CH2 है, उसके बाद ये C है और इसके ऊपर 3 हेलोजन एटम अटैच हैं, 3 क्लोरीन है, इस तरह ये है ट्राई हेलाइड, तो इसका क्षारीय जल अपघटन कर दो आप। वैसे तो आप अम्लीय जल अपघटन करोगे जब भी रिएक्शन हो जाएगा, पर ये रिएक्शन NaOH और KOH से आपने काफी पढ़ रखी है, ये जल अपघटन करा मैंने, ऊपर लिख दिया एक्वस यानी जलीय NaOH है, यहां से इतना मटेरियल बाहर, समझ में आ रहा होगा कितने NaCl निकले, 3, चलो पहले साइड प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ, 3 NaCl, वैसे साइड प्रोडक्ट बाद में लिखना चाहिए, RCH2C। एक काम करो आप, फिर 2 लाइन में आएगी रिएक्शन, नहीं तो साइड प्रोडक्ट को तीर के नीचे ही लिखो आप, NaCl ये निकल गए, 3 निकल गए, 3 लिखना चाहता हो तो 3 भी आप लिख सकते हो इस तरह, नहीं तो संख्या देने की कोई आवश्यकता नहीं है। R है, R के बाद CH2 है, फिर C है, इस अकेले कार्बन की क्या दुर्दशा हुई कि इसके ऊपर 3 3 OH आ गए,
आपको पता है एक कार्बन पे यदि एक से ज्यादा OH हैं तो वो यौगिक क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और उसे स्टेबल करने के लिए उसमें से निकलता है H2O। ये तो तीन आ गए तो H2O तो निकलेगा ही, ये निकल गया H2O। अब बताओ R CH2 COOH, बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है या नहीं? बना है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक तरीका ये भी है। अब आ जाओ आप नंबर 9 पे, अगला तरीका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का, जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करके आप बना सकते हो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बना सकते हो? जैम का मतलब तो समझते हो, हम खाने वाले जैम की बात नहीं कर रहे। कभी आप जैम और जेली के चक्कर में पड़ जाओ। जैम का मतलब है जैमिनल। जब दो क्रियात्मक समूह एक ही कार्बन पे अटैच होते हैं तो उसे कहते हैं जैम या जैमिनल। ठीक है, पढ़ाया था ना जैमिनल और विसिनल। देखो आर सी एच और इसी कार्बन पे एक तो सी डबल ओ एच ये है और एक है सी डबल ओ एच ये। कितने सी डबल ओ एच हैं? दो। तो एक ही कार्बन पे दोनों सी डबल ओ एच हैं, इसलिए कहा जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम बनाना सीख रहे हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसे सिर्फ गर्म कर दो बेचारे को। जब आप इसे गर्म करोगे तो इतना एक्स्ट्रा निकल गया बाहर। क्या निकला बताओ? ये क्या निकला है? ये निकला है बेटे CO2। तो आप लिख सकते हो माइनस CO2। अब देखो आर, ये लिख दिया आर सिंगल बॉन्ड, सी एच और ये क्या चाहिए रहा, तो CH2 ही तो लिखूंगा बेटे, और सिंगल बॉन्ड सी डब्ल्यू एच। तो बताओ सी डब्ल्यू एच वाला यौगिक नहीं बना क्या? क्या है ये बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे मैं कहूँ कि मैंने यहाँ CH2 लिख दिया, यहाँ सी डबल ओ एच लिख दिया और यहाँ भी सी डबल ओ एच लिख दिया। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था ये क्या था, ये मैलोनिक एसिड। क्या था बेटे? मैलोनिक एसिड। यदि आप इस बेचारे मैलोनिक एसिड को गर्म कर दोगे ना तो यहाँ से इतना हिस्सा निकल के बाहर चला जाएगा, बेचारा CO2 उड़ के भाग जाएगा और ये बचेगा आपका CH2 और OH, CH3 और यहाँ सी डबल ओ एच। बताओ एसिटिक एसिड ही तो बना है। एसिटिक एसिड या IUPAC में दो कार्बन वाला है तो इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड कहो या इथेनोइक एसिड कहो, एक ही बात है। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को केवल गर्म करना है। अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर 10 पे हम पढ़ेंगे बेटे, ध्यान से देखना जरा। ARNDT आर्ड ESTERT, देख रहे हैं आप, आर्ट आइस्टर्ट संश्लेषण। सिंथेसिस कह सकते हो आप इसे, द्वारा। तो इसके द्वारा भी हम बना सकते हैं। साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना जरा। ठीक है, अजीब सा नाम है, ज्यादातर बच्चों पे बोलना नहीं जाता ये नाम। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई एल्केनोइल क्लोराइड है, मान लो RCOCl। ये क्या है? एल्केनोइल क्लोराइड। मैं लिख देता हूं यहाँ, एल्केनोइल क्लोराइड। ठीक है, आप इसे एसिड क्लोराइड भी कह सकते हो। इसके ऊपर आपको CH2N2 का रिएक्शन कराना होता है, CH2N2। CH2N2 का नाम तो मैंने आपको बताया था, डाइजोमीथेन। आप लिख सकते हो इसका नाम होता है डाई एजो मीथेन। जब इसका रिएक्शन होता है ना, थोड़ा ध्यान से समझना, इसके रिएक्शन में क्या होता है बेटे? यहां से तो निकलता है एक एच, यहां से क्या निकलता है? एच, और यहां से निकलता है सीएल। चलो यहीं लिख दूं मैं, माइनस HCl।
तो ये HCl निकल जाता है, और HCl निकलने से RCOCHNH2, RCOCHNH2 ये बनता है, RCOCHNH2। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें करना होता है इसका जल अपघटन। क्या है ये? N2 है ना, N2 है बेटे, N2 गलती से लिखा गया, NH2 नहीं है ये। ये क्या है? N2 है, ये लिख दिया हमने N2, RCOCH N2। यहां बिल्कुल भी ये मत सोचना कि संयोजकता पूरी नहीं हो रही है। संयोजकता जो है, ये जो CO ग्रुप है ना, ये CO तो पता है आपको कैसे जुड़ता है, और CH के ऊपर कभी आप सोचो कि यहाँ कार्बन ने एक दो और तीन बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ जो है कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। आप इस बॉन्ड को दिखाओ ना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। इसे N2 को ऐसे ही दिखाओ आप, नहीं तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही है। ऐसे होता है बेटे, जब आप इसका जल अपघटन कराते हो ना H2O, तो यहां से ये N2 तो निकल जाएगा अलग। ध्यान से देखना, आपको यहाँ तो इस वाले हिस्से पे H और इस पे OH जुड़ता है, तो R के बाद में CH2 लिखूंगा, RCH2, और फिर लिखूंगा COOH। इस तरह बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCH2COOH, क्योंकि वे सारे परमाणु इस तरीके से जुड़ेंगे कि जिससे संयोजकता पूरी हो सके। तो इस तरह हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, आपको तो पता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड का पहचानने का तरीका, COOH ग्रुप आपको दिखाई देगा तो समझ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये 10 तरीके थे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के। अब हम सीखते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। तो हम हेडिंग लिखते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक क्या? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियां, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे आप बना सकते हो एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एरोमेटिक तो समझते हो, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH ग्रुप कहाँ जुड़ा हो? बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ हो, या किसी एरोमेटिक साइक्लिक ग्रुप के ऊपर जुड़ा हो। इसमें नंबर एक, सबसे पहला तरीका है बेटे एल्काइल बेंजीन से। एल्काइल बेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल या कोई सा भी। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो आपके पास ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, आपको सबको पता है इसका नाम होता है टोलुइन। क्या होता है टोलुइन? यदि आप ध्यान से देखो जरा, यदि टोलुइन का आप ऑक्सीडेशन करते हो, क्या करते हो? ऑक्सीडेशन, और KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में। ठीक है, KOH से कर लो, चलो क्षारीय माध्यम के लिए आप यूज कर सकते हो KOH। तो KOH से आप करते हो इसका क्या? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने के बाद आप फिर करते हो इसका जल अपघटन। मैं लिखता हूँ H3O पॉजिटिव, यानी पहले तो आपको ऑक्सीडेशन करना है इसके द्वारा, फिर इसका जल अपघटन। तो आपको सीधी साधी एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसके ऊपर जो एल्काइल ग्रुप था वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? COOH में कन्वर्ट, और आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपके पास कोई सा भी एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा ना, जैसे ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर मान लो आ जाता है C2H5, ये क्या है बताओ?
ये तो इथाइल है, C2H5, तो आप इसका नाम लिख सकते हो यौगिक का इथाइल बेंजीन। यदि इथाइल बेंजीन पे भी सेम ट्रीटमेंट आप करोगे, यानी उसका ऑक्सीडेशन करोगे के MnO4 और KOH के द्वारा, ठीक है, तो आपको ऊपर COOK मिलेगा। मैं एक स्टेप में करा रहा इस रिएक्शन को, और इस पे भी आप फिर बाद में H3O यानी H पॉजिटिव का यूज करते हो अपघटन में, तो यहाँ भी बेंजीन रिंग के ऊपर आपको COOH ही प्राप्त होगा। ये भी क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, और तो बात दूसरी है, यदि आप बेंजीन रिंग लो और बेंजीन रिंग के ऊपर आप कोई डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप भी जोड़ दो, जैसे ये जोड़ दिया मैंने, क्या नाम है इसका, स्टाइरीन है ना बेटे, इस यौगिक का नाम होता है स्टाइरीन। ध्यान रखा करो थोड़े थोड़े नाम। यदि इसका भी आप सेम ट्रीटमेंट करते हो, यानी ऑक्सीडेशन करते हो KMnO4 द्वारा और KOH की उपस्थिति में, फिर आप इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हो, तो यहाँ भी आपको मिलेगा बेंजीन रिंग और इसके टॉप पे आपको मिल जाएगा COOH, तो ये भी आपको बेंजोइक एसिड ही मिलने वाला है। ये तीन बातें तो आपको याद रखनी है। आप कोई सा भी एल्काइल बेंजीन ले लो, सबसे आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा यदि आप उनका ऑक्सीडेशन करोगे और जल अपघटन करोगे, ठीक है बेटे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपको सिखाता हूँ, सैलिसाइलिक एसिड पर जिंक की क्रिया द्वारा। यहाँ लिख दू दूसरा तरीका, इधर जगह बच रही, नंबर दो, सैलिसाइलिक एसिड है मान लो हमारे पास, और उसके ऊपर आप जिंक की क्रिया कर रहे हो, जिंक की, जिंक जस्ता, तो कैसे होगा रिएक्शन देखो जरा बताओ। मैंने आपको पहले सैलिसाइलिक एसिड पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है ना सैलिसाइलिक एसिड, ऐसा ही तो होता है। ये बेंजीन रिंग है, इसके टॉप पे OH है, ऑर्थो पोजीशन पे COOH है, ये होता है सैलिसाइलिक एसिड। जब आप इसके ऊपर जिंक का रिएक्शन करते हो, तो जिंक इस ऑक्सीजन को लेके निकलता है ZnO, जिंक ऑक्साइड बन के, और आपके पास यहाँ तो बचता है केवल और केवल एक H, उसे दिखाओ या ना दिखाओ आपकी मर्जी है, पर यहाँ आपको बेंजीन रिंग पे जो स्पष्ट रूप से नजर आने वाला ग्रुप है वो COOH है, और ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। क्या बनाया बेटे, बेंजोइक एसिड बन चुका है। तो एक तरीका ये है, ठीक है बेटे। चलो अगले तरीके बताऊंगा अगले पेज पे, अभी आप स्क्रीनशॉट लो, जगह कम है इस पे बोर्ड पे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तीसरा तरीका सीखते हैं बेटे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक या ग्रिगनार्ड रीएजेंट द्वारा। यदि आपके पास कोई ग्रिगनार्ड है, एरोमेटिक एल्काइल ग्रुप वाला या एरोमेटिक एराइल ग्रुप वाला, तो उससे भी आप बना सकते हो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बना सकते हो, देखो ये है हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पता है ना सबको इसका नाम, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इसके ऊपर आप CO2 का रिएक्शन करा दो, यहाँ जुड़ जाएगा CO2, ये बेंजीन रिंग है और COO आ जाएगा और MgBr, ये एक योगात्मक यौगिक बन गया। अब आपको बताइए इसका जल अपघटन करना है, बस ये कर दिया हमने जल अपघटन, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा इधर H और इधर OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आपके पास आया है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है COOH, क्या है ये, बेंजोइक एसिड, क्या है बेटे, बेंजोइक एसिड। तो एक तरीका ये है, ग्रिगनार्ड से भी आप बना सकते हो, ठीक है बेटे। अच्छा एक तरीका और सिखाता हूँ आपको, नंबर 4 पे,
मान लो आपके पास बेंजो ट्राई क्लोराइड है, क्या है? बेंजो ट्राई क्लोराइड, और उसका आप कर रहे हो जल अपघटन, जल अपघटन, तो इसके जल अपघटन से भी आपको बेंजोइक एसिड यानी कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो, बहुत आसान रिएक्शन है ये, है आपके पास, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो, बेंजीन रिंग की जगह मैंने C6H5 लिख दिया, एक ही बात है। इसके ऊपर कार्बन जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं बेंजो। यदि एक कार्बन हो और उसके ऊपर तीन हो हेलोजन, तो बेंजो ट्राइक्लोराइड है ये। और इसके ऊपर आप बुझे हुए चुनने का रिएक्शन करा दो, CaOH का होल ट्वाइस। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ये दो OH हैं, कितने OH हैं? दो। और ये कितने हैं? तीन Cl हैं, ये दो हैं, ये तीन हैं। दो की गुणा इधर कर दी, तीन की इधर कर दो। देखो, अब दो तिया 6 Cl और तीन दूनी 6 OH। समझ में आ रही बात? कुछ देखो, एक बात को ध्यान रखो आप कि ये तीन, ये CA हैं, ये Cl हैं। हमें पता है यहां से CaCl2 निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। क्या निकलेगा? CaCl2, और जितने भी Cl हैं उनकी जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का मिलेगा, 2 लिखो या ना लिखो कुछ नहीं फर्क पड़ता, C6H5C। ये तीन OH आपको दिखाई देंगे एक एक कार्बन के ऊपर। और जब तीन OH आपको दिखाई देंगे तो आपको पता ही है कि क्या है ये? अनस्टेबल है। क्या है बेटे? अस्थाई, अनस्टेबल। और अनस्टेबल है तो इसमें से क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। ये निकल गया H2O, और मेन प्रोडक्ट आएगा आपके पास, ये बेंजीन रिंग है C6H5, ये COOH, ये बन गया बेंजोइक एसिड। बताओ बेंजोइक एसिड बना है या नहीं बना है? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आया है? COOH। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं हम पांचवे तरीके पे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। पांचवा तरीका है जो फिनाइल साइनाइड है ना आपका, फिनाइल साइनाइड के, चलो जल अपघटन ही लिख दूं, जल अपघटन द्वारा, जिस तरह एल्काइल साइनाइड का आपने किया था। भाई, आपने एल्काइल साइनाइड का भी तो जल अपघटन किया था, जब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे आप, तो इस बार एरोमेटिक है तो हमने एल्काइल साइनाइड ना लेके फिनाइल साइनाइड ले लिया। ठीक है, देखो ये बेंजीन रिंग है यानी फिनाइल ग्रुप, C6H5 लिख दो या बेंजीन रिंग बना दो, एक ही बात है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, देखो फिनाइल साइनाइड नहीं है क्या? जब आप इसका जल अपघटन करोगे, ये लिख दिया मैंने H2O ऑब्लिक H पॉजिटिव, तो आपको पता है दो बॉन्ड टूट जाएंगे, इधर तो दोनों H2 और इधर ऑक्सीजन, तो C6H5 तो ये है, और ये है CO और ये है NH2। इसका तो अभी पूर्ण जल अपघटन हुआ ही नहीं, अभी फिर दोबारा इसका जल अपघटन होगा, और इस बार ये बॉन्ड टूटेगा, इधर एच जुड़ेगा, इधर OH जुड़ेगा। आपको पता है ये अमोनिया एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा, और यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा हुआ मिलेगा आपको? इसके ऊपर जुड़ा हुआ मिलेगा COOH। तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है या नहीं? ये भी तो बेटे बेंजोइक एसिड ही प्राप्त हुआ है हमें। अब आ जाते हैं नंबर 6 पे, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट या फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा, कम से कम 15 दिन हो गए, 15 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही, बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, टेम्परेचर है, वायरल इन्फेक्शन है, पर फिर भी प्रयास करता हूं कि छुट्टी ना करूं किसी भी दिन की, जिससे आपका सिलेबस खींचता रहे। तो यदि मैं हिम्मत हार जाऊंगा फिर तो वीडियो शूट ही नहीं होगी बेटे। इसी तरीके से आपको भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। भले ही आप थोड़ा कम एनर्जी का काम कर रहे हो, पर आपको करता रहना चाहिए काम। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है बेटे पढ़ाई में,
तो इसलिए थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखा करो। देखो बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है कि मान लो हमारे पास ये बेंजीन है। वैसे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो मैंने आपको सिखा रखी हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलीकरण। ये पहली बार ही सिखा रहा हूँ रिएक्शन। ये मान लो हमने लिया इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में लिया HCl। तो जब ये रिएक्शन होती है, एक बार पहले भी सिखाई थी शायद मैंने, तो यहाँ से H निकलता है, यहाँ से Cl निकलता है, HCl ही है, और यहाँ साइड प्रोडक्ट भी आपको HCl ही मिलेगा। मेन प्रोडक्ट बेंजीन रिंग, ये बना दिया बेंजीन रिंग, चलो सीधा ही बना देता हूँ, ये बेंजीन रिंग बना दिया। और C दो ओ और एक एच, C OH, C 2 O और 1 H, बताओ बन गया ना बेटे बेंजोइक एसिड। तो ये तरीके हैं। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आज मैंने आपको दो बातें सिखाई हैं। सबसे पहले सिखाया है कि जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन्हें बनाने के कितने तरीके हैं, क्या कैसे कैसे आप बना सकते हो, 10 तरीके सिखाए हैं। और फिर आपको सिखाए हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बस बेंजोइक एसिड सिखाया है कि बेंजोइक एसिड बनाने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो, और शॉर्टकट किसी को बिल्कुल भी नहीं लेना है, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।